हाय शैलेश जी, ये हमारा ऑन व्हील क्रैशर है, 50 TPH, 50 टन पर आवर कैपेसिटी, फुल्ली ऑटोमेटिक। ये 35 TPH का है, 35 टन पर आवर का। ये भी पूरा प्लांट ऑन व्हील है, क्रैशिंग की चेचिस हमने डाली है, बॉडी इसको बोलते हैं। शैलेश जी, ये हमारा जो क्रैशर है ये PTO ऑपरेटेड है, एडविन ट्रैक्टर से ये ऑपरेट होता है। इतने छोटे साइज के क्रैशर को भी अगर आप स्टेशनरी में आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको एक परमिशन चाहिए, बट इस क्रैशर में व्हील होने की वजह से इसके लिए कोई परमिशन गवर्नमेंट से, स्टेट से, सेंटर से या NGT से किसी से भी आपको नहीं लेना है। जी शैलेश जी, ये शैलेश जी हमारा 10 TPH का क्रैशर है, ऑन व्हील इंजन मॉडल है, ये इंजन ऑपरेटेड है, इंजन भी इसमें सेल्फ स्टार्ट है, बैटरी ऑपरेटेड इसमें इंजन है। ये जो हमारे पास में मटेरियल है, पत्थर है, ये स्लैग होता है जो अपना स्टील व्हील में से निकलता है मटेरियल। चले जी, ये वाला जो हमारा क्रैशर है इसको बोलते हैं इनलाइन क्रैशर। इसमें इसका जो साइज है 8x14 है, 8 इंच बाई 14 इंच का इसमें बोल्डर चला जाता है। ये भी ऑन व्हील है, इसके आगे कन्वेयर लगा हुआ है, कन्वेयर के आगे स्क्रीन अलग से लगा हुआ है, सारा मटेरियल अलग अलग हो जाएगा। जो अभी देख रहे हैं आप, ये 20 mm है, ये अबव 20 है और ये अप टू 10 mm है। ये वाला मटेरियल अप टू 10 mm है। ये स्क्रीन सिस्टम इसमें हमने अलग दिया है। ये अप्रोक्स आपका 10 से 12 टन पर आवर इसका आउटपुट है। ये सर हमारा इनलाइन दूसरा क्रैशर है, साइड के ऊपर चलता हुआ। ये क्रैशिंग यूनिट इसमें अलग है, फिर कन्वेयर है, उसके बाद में इसका स्क्रीनिंग यूनिट है। ये हमारे पास में स्टार्ट है 5 टन पर आवर से, उसके बाद 10 टन पर आवर है, 15 टन पर आवर है, 20 टन पर आवर है, 25 टन पर आवर है, 50 टन पर आवर है, ऐसे हमारे पास में 250 टन पर आवर तक के हमारे पास प्लांट है। अभी जैसे ये जो मशीन है हमारे पीछे, ये कितने टन की है? ये मशीन 15 टन पर आवर की है। इसकी क्या कॉस्ट होगी? ये कंप्लीट सेट। दोस्तों, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? वो होती है ईंटे, रोड़ी, बजरी, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आती है, चाहे रोड्स हों, चाहे बिल्डिंग्स हों, चाहे घर हों। तो दोस्तों, ये इतनी तेज़ी से डिमांड में आ रहे हैं कि आज जिस रास्ते पर भारत विकास की चल पड़ा है, आगे आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों की जो ज़रूरत है वो और बढ़ने ही वाली है। पर ये सब चीज़ें बनती कैसी हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं पर राष्ट्र निर्माण के साथ साथ आपके लिए मुनाफा छिपा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया इस मशीन का जो आपको इस वीडियो में दिखने वाला है वो आपके बहुत काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऐसी मशीन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके लिए ये मशीन बहुत काम आने वाली है। चाहे आप घर बना रहे हों, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हों सरकारी, चाहे आप किसी बड़ी सड़क के निर्माण में लगे हों, इस तरह की मशीन आपके काम जो आएगी वो आपको बहुत अच्छा बिजनेस देके जाएगी। पर ऐसी मशीन जिसके लिए आपको ना ज़्यादा लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़े, ना बहुत ज़्यादा निवेश की ज़रूरत पड़े, आपको इस वीडियो में मैं डेमो के साथ दिखाने वाला हूँ। और यही नहीं, जहाँ मशीन बनती है उस फैक्ट्री में और एक्चुअल लोकेशन पे जहाँ पे ये मशीन काम करती है वो सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार, अच्छा कारोबार, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मिलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों, नोएडा की नॉक्स इंजीनियरिंग में तरह तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मशीनें बनती हैं,
मैं समझता हूँ, मैंने कई बार आपको पहले भी वीडियोस दिखाए हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं और आपके बहुत काम आए हैं ऐसे वीडियो। आज एक बार फिर से मैं नॉक्स इंजीनियरिंग में हूँ और मेरे साथ नॉक्स इंजीनियरिंग के ओनर मिस्टर सुमन शर्मा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी आपका बिजनेस। नमस्कार शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फिर से नॉक्स इंजीनियरिंग में। थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इतने लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध करा रहे हैं, इस तरह की मशीनें बना रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वीडियोस पहले लोगों ने बहुत लाइक किए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज क्या नई मशीन दिखाने वाले हैं हमें। अब मैं पहले तो कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, उनको सराहा, इंक्वायरी की, अपनी जो जिज्ञासाएँ थी वो हमसे बात करके काफ़ी हद तक कंप्लीट की। काफ़ी लोगों ने मशीन खरीदी भी, काफ़ी लोगों तक मशीनें गईं, जो लोग बिल्कुल इंटीरियर में थे वहाँ तक मशीनें पहुँचीं। अब हमने कुछ नई मशीनें कुछ R&D की हैं, बड़े प्लांट्स में हम लोग आए हैं, बट उसमें भी हम लोग इस तरह से आए हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, परमिशन का झंझट ना पड़े, जिसमें सालों लग जाती थी कि जी स्टोन क्रैशर का परमिशन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, फिर NGT से, फिर तुम्हारा इन्वायरमेंट डिवीज़न से, पोल्यूशन डिवीज़न से, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो हम लोग अब जो नई सीरीज लेके आए हैं उसमें बेसिकली हम लोगों ने ध्यान रखा है कि ये सारे की सारी सीरीज लेके हमारे पास में 5 TPS से, 5 टन पर आवर की कैपेसिटी से लेके और हम लोग 150 टन पर आवर तक का कैपेसिटी का प्लांट बना रहे हैं, स्टोन क्रैशर प्लांट। बट सारे ही प्लांट ऑन व्हील है, कोई परमिशन नहीं लेना है। अच्छा, वेरी नाइस। ये गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है कहीं ना कहीं कि भाई ऑन व्हील जो प्लांट है उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं लेना। इसी प्लांट को अगर आप स्टेशनरी नीचे, अगर आप इसको आप फाउंडेशन बना के सिविल वर्क करके रखते हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना होता है, उसमें सालों लग जाते हैं। बट ये जितने भी हम लोग, ये इतने बड़े प्लांट है, ये प्लांट है, ये जितने भी हैं, इसमें कोई हमें ये नहीं है कि भी परमिशन अलग से कहीं से लेना है। ये आपको ऑन व्हील प्लांट है, आप जहाँ लगाएंगे वहीं आप चला सकते हैं। तो आप जैसे स्टोन क्रशर में आप कह रहे हैं दिखाएंगे आज, तो उसमें किस तरह की मशीनरी होगी, किस मतलब क्या कैपेसिटीज होने वाली हैं इनकी? उसमें सर हमारे पास में आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें 10 टन पर आवर से लेके और 50 टन पर आवर तक का हम आपको प्लांट दिखाएंगे, ऑन व्हील प्लांट। ओके, पूरा का पूरा सिस्टम ऑन व्हील है, उसमें कोई आपको परमिशन का जरूरत नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लगाइए। उसमें भी हमारे पास में इंजन मॉडल है, PTO मॉडल है जो ट्रैक्टर से ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक मॉडल है जो मोटर से ऑपरेट होते हैं, हर तरह का मॉडल है। तो सो मैं यही चाहता हूं कि आपकी सुविधा के अनुसार जो हैं आपको मशीनें मिलें, लाइसेंसिंग प्रक्रिया कम से कम हो और सबसे सस्ती मशीनें मिलें। किस तरह से ये मशीनें काम करती हैं, किस तरह की मशीनें हैं, ये सारा मैं आपको छलका फैक्ट्री में दिखाता हूं और कितना निवेश रहेगा ये भी मैं सुमन जी से पूछूंगा आपके लिए। तो सुमन जी एक बार चलें आपकी फैक्ट्री। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको डेमो कराता हूँ सारी मशीनों का, अलग अलग मैं आपको डेमो कराता हूँ। कुछ मशीनें हैं कि जो फैक्ट्री के अंदर है, कुछ मशीनें हैं जो मैं आपको साइड डेमो भी कराऊंगा। वेरी नाइस। जो एक चीज होती है कि फैक्ट्री में चलाना एक अलग चीज है, बट उसी मशीन को, उसी प्लांट को चलते हुए जो महीनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, साइट के ऊपर चल रहा है, प्रोडक्शन क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सारी चीजें भी क्लियर हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्लियर हो चीजें। तो चलते हैं सर। चलते हैं प्लीज। हाय शैलेश जी, ये हमारा ऑन व्हील क्रैशर है, 50 TPH, 50 टन पर आवर कैपेसिटी, फुल्ली ऑटोमेटिक एंड फुल्ली क्रशर ऑन व्हील। इसमें जो जॉ है वो अपना 15x24 का है, जो 15 इंच से 24 इंच तक का पत्थर एक बार में जा सकता है। ये इसका वाइब्रो फीडर है, इससे केवल लोड करना है JCB से या पॉकलाइन से, किसी से भी इसमें लोड करना है। इसमें वाइब्रेटर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक फीडिंग ये लेता रहेगा। 50 HP की इसमें मोटर है, नीचे रिब्ड इसमें कन्वेयर हमने दिया हुआ है, जो कन्वेयर यहाँ से मटेरियल हमारा जो वाइब्रेटर है, स्क्रीन वाइब्रेटर है, इसमें मटेरियल आएगा, यहाँ से अलग अलग मटेरियल जो अपना छटके है, जो अपना 10 mm अलग हो जाएगा, डस्ट अलग हो जाएगा, 20 अलग हो जाएगा, अबव 20 इसमें अलग हो जाएगा। ये पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इनको मटेरियल सिर्फ अप टू 10 mm चाहिए, तो इसमें हमने ग्राइंडर भी यहाँ लगाया हुआ है,
ये ग्राइंडर का फंक्शन है कि जितना भी मटेरियल अबव 10 है वो सारा इधर जाएगा और यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो ये पूरा सैंड, स्टोन सैंड इसको बोलते हैं, स्टोन सैंड बन के ये निकल जाएगा यहाँ से। ऑन व्हील पूरा प्लांट है, चेचिस के ऊपर है, ड्रीवन ये इलेक्ट्रिकली है, इसको आप जेनसेट से भी चला सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं। टोटल जो प्लांट का लोड कैपेसिटी है, इट मीन पावर कंजम्पशन है, वो टोटल जाके 82 किलोवाट आता है, क्योंकि 50 एचपी की इसमें केवल क्रशिंग की मोटर है जो अपना क्रशिंग यूनिट पे लगा हुआ है। जो इसमें व्हील साइज है वो 8-25-16 का है, जो ट्रक का टायर होता है। 6 टायर माउंटेड है, बैक में इसमें 4 टायर है, आगे इसमें 2 टायर हैं। उसके बाद इसमें हम कन्वेयर यहां से जो स्टॉक करना है उसके लिए कन्वेयर हम यहां से अलग से लगाते हैं ताकि स्टॉक दूर होता रहे। चले जी, ये हम अभी रिसेंटली हमने दूसरा चेचिस डाला है, ये नया दूसरा क्रेशर बन रहा है, ये 35 TPH का है, 35 टन पर आवर का। ये भी पूरा प्लांट ऑन व्हील है, इसका जो क्रेशर का साइज है वो 20x12 है, इट मीन 12x20 का ये स्टोन बोल्डर ले सकता है। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट बन रहा है, पूरा चेचिस के ऊपर है, पूरा व्हील के ऊपर है। इसमें भी 4 कन्वेयर लगेगा, एक इसी टाइप का सेम वाइब्रो फीडर लगेगा और वाइब्रेटिंग स्क्रीन भी इसमें सेम लगेगी। इसमें अलग अलग 4 तरह की मटेरियल निकलेगा, 4 तरह की इसमें अलग अलग कन्वेयर लगेंगी जो अपना मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, सारा 10 अलग, सैंड अलग, 20 अलग, अबव 20 अलग। इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको रोड साइड के लिए मटेरियल चाहिए, 40 चाहिए या 63 mm चाहिए या 80 mm चाहिए, वो हम इसमें एडजस्टिंग दे इसमें दे के रखे हुए हैं, किसी भी साइज का मटेरियल निकाल सकते हैं। शैलेश जी, ये हमारा नया एक अपना क्रशिंग की चेचिस हमने डाली है, बॉडी इसको बोलते हैं, इसका बेसिकली साइज है 10x20, इट मीन जो बोल्डर साइज ये लेगा 10x20 का, अप्रॉक्स 1x1.5 फीट का ये एक बार में ये बोल्डर साइज क्रैश कर देता है। ये एक हमने नया डिजाइन एक अभी बनाया है, इसको सिम टाइप बोलते हैं, जो ट्रेडिशनली चलते थे वो टॉगल टाइप क्रैशर चलते थे, ये सिम टाइप ये क्रैशर है। इनमें थोड़ा सा जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्वालिटी जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो अच्छा हो जाता है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल क्रैशर चल रहे थे उनमें वो एफिशिएंसी और वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो नहीं निकल पाता था, तो ये हमने अभी अलग से R&D किया है, इसको डिजाइन कर रहे हैं, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी होने वाला है, उस टाइम इसको भी एक बार दिखाएंगे। चले जी, ये हमारा जो क्रैशर है ये PTO ऑपरेटेड है, इट मीन ट्रैक्टर से ये ऑपरेट होता है, यहाँ इसका PTO सिस्टम लगा हुआ है, इसके लिए आपको कोई इंजन, कोई मोटर किसी की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप इसको ट्रैक्टर से ना चला के मोटर से चलाना चाहें तो उसके लिए भी फाउंडेशन यहाँ हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि इन फ्यूचर कभी भी आपको ये मोटर लगा के चलाना है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ आप चला सकते हैं, अदरवाइज तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है PTO से कनेक्ट कीजिए, ट्रैक्टर से कनेक्ट कीजिए और चला लीजिए। ये जो हमारा क्रेशर है ये इसका साइज है 9x16, 9x16 का ये बोल्डर एक बार में क्रैश करता है। प्रोडक्शन है इसका 15 टन पर आवर, एक घंटे में 15 टन ये देता है। ऑन व्हील क्रेशर है ये भी, हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जितने भी मॉडल हम बनाए मैक्सिमम वो सारे ऑन व्हील हों। ऑन व्हील का एक बेसिकली लॉजिक है कि आपको परमिशन नहीं लेना होता, अगर आप इसी क्रेशर को, इतने छोटे साइज के क्रेशर को भी अगर आप स्टेशनरी में आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको एक परमिशन चाहिए, बट इस क्रेशर में व्हील होने की वजह से इसके लिए कोई परमिशन गवर्नमेंट से, स्टेट से, सेंटर से या NGT से किसी से भी आपको नहीं लेना है। तो आप इसको रोड साइड काम कर सकते हैं, इंटीरियर में काम कर सकते हैं, पहाड़ पर काम कर सकते हैं, रिवर साइड काम कर सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां इसको आप यूज कर सकते हैं। जनरली मशीन नहीं जा पाती हैं तो ट्रैक्टर से आप जस्ट लगाइए और मर्जी चाहे जब इसको लेके आप
चले जाइए, यहाँ इसका टोइंग सिस्टम है ट्रैक्टर से डायरेक्टली, और ऑपरेट भी ट्रैक्टर से ही होगा। जी शैले जी, ये शैले जी हमारा 10 TPH का क्रेशर है, ऑन व्हील इंजन मॉडल है ये, इंजन ऑपरेटेड है, इंजन भी इसमें सेल्फ स्टार्ट है, बैटरी ऑपरेटेड इसमें इंजन है। ये जो हमारे पास में मटेरियल है पत्थर है, ये स्लैग होता है जो अपना स्टील व्हील में से निकलता है मटेरियल। इसका आज साइज देखिए, जो ये साइज डालेगा ये देखिए, ये इस साइज का ये सारा पत्थर एक बार में जाता है। इसका जॉ साइज है 7 इंच बाई 12 इंच। इसमें से जो प्रोडक्शन निकलेगा वो अप टू 10, 20 एंड अबव 20। अबव 20 का रेशो इसमें बहुत ही कम होता है। ये अबव 20 है, वो 20 है और ये 10 mm है। कैपेसिटी इसका 10 टन पर आवर है, एक घंटे में 10 टन ये मटेरियल निकाल देता है। जो ये मटेरियल है वो भी स्टील मिल का माल है, ये स्लैग बोलते हैं। इसके अंदर से ये लोहा निकलता है, इसके अंदर से निकलता है, ये जो हमारा बोल्डर है बोल्डर के अंदर से ये लोहा निकलता है। ये स्टील मिल का मटेरियल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जो बोल्डर साइज हमारे पास आते हैं वो दिखाता हूँ। ये इंजन पे चलने वाली मशीन है, ये इस टाइप का ये सारा बोल्डर आता है, ये इसको हम लोग क्रैश करते हैं। ये आप देखेंगे इसमें ये स्टील का, इसमें 15% इसमें स्टील होता है, लोहा होता है इसका स्टील। इसका स्पंज भी इसमें से निकलता है मटेरियल में, जब आप यहाँ देखेंगे तो ये स्पंज निकल रहा है। इस ये अप्रोक्स 25-30% इसमें लोहा है। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये आप देखेंगे, ये पूरा मटेरियल हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पर ये चला जाता है। जो ये क्लाइंट है इनके अपने हॉट मिक्स भी हैं, ये लोग अपना ही मटेरियल हॉट मिक्स में भी यूज करते हैं। इसी मटेरियल को काफ़ी क्वांटिटी में, ये काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। दो इन्होंने क्रेशर लिया हुआ है, इन्होंने एक हमारा इनलाइन क्रेशर भी लिया है जो अपना कन्वेयर के थ्रू चल रहा है और उसमें स्क्रीन अलग है। बट ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है इसमें स्क्रीन साथ में ही लगा हुआ है, एक ही फाउंडेशन के ऊपर पूरा का पूरा सेटअप है कि आपका इंजन भी उसी पे है, क्रेशर भी उसी पे है, स्क्रीन भी उसी पर है और जो अपना मटेरियल को अलग अलग कर रहा है वो सारा सिस्टम एक ही मशीन के ऊपर है। आप देखेंगे वो काफ़ी बड़ा बोल्डर है, देखिए वहाँ डल रहा है बोल्डर, काफ़ी बड़ा बोल्डर। ये मशीन का जो साइज है 7 इंच बाई 12 इंच का है। चले जी, ये वाला जो हमारा क्रेशर है इसको बोलते हैं इनलाइन क्रेशर। इसमें इसका जो साइज है 8 बाई 14 है, 8 इंच बाई 14 इंच का इसमें बोल्डर चला जाता है। ये भी ऑन व्हील है, इसके आगे कन्वेयर लगा हुआ है, कन्वेयर के आगे स्क्रीन अलग से लगा हुआ है। इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी साइज हम लोग निकालना हो, बड़ा हमें गिट्टी निकालना है, छोटा निकालना है, किसी भी जिस साइज में चाहें उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। ठीक है, इसके आगे ये यहाँ कन्वेयर से मटेरियल जाएगा, कन्वेयर के बाद में ये यहाँ स्क्रीन पे मटेरियल आ जाएगा, ये यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन इस मटेरियल को अलग अलग कर देगी, जो अपना
10 mm अलग कर देगा, 20 mm अलग कर देगा, अबाउट 20 mm अलग कर देगा, सारा मटेरियल अलग अलग हो जाएगा। जो अभी देख रहे हैं आप, ये 20 mm है, ये अबाउट 20 है, और ये अप टू 10 mm है। ये वाला मटेरियल अप टू 10 mm है। ये स्क्रीन सिस्टम इसमें हमने अलग दिया है। ये अप्रोक्स आपका 10 से 12 टन पर आवर इसका आउटपुट है। 10 से 12 टन ये एक बार में आउटपुट दे देता है। स्क्रीन में हमने इसलिए सेपरेट दिया हुआ है कि स्क्रीन को कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लिया अभी आपको 20 का मटेरियल ज़्यादा चाहिए, फिर आपको 40 का ज़्यादा चाहिए, तो आप स्क्रीन कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 स्क्रीन लगा हुआ है, तीनों मटेरियल अलग अलग निकालने के लिए। 4 टाइप का मटेरियल निकालेगा। सैंड आप देख रहे हैं नीचे की साइड, सैंड अलग निकल रहा है। जो नीचे ये अपना मटेरियल, ये वाला जो मटेरियल है ये सैंड का मटेरियल है, इसको स्टोन सैंड बोलते हैं। ये सेपरेट हो जाएगा, 10 mm सेपरेट, 20 mm सेपरेट, और अबव 20 वो सेपरेट हो जाएगा। अलग अलग मटेरियल इससे निकाल सकते हैं। हेलो सलेश जी, ये सर हमारा इनलाइन दूसरा क्रैशर है, साइड के ऊपर चलता हुआ। ये क्रैशिंग यूनिट इसमें अलग है, फिर कन्वेयर है, उसके बाद में इसका स्क्रीनिंग यूनिट है। जो अपना स्क्रीनिंग यूनिट है उसमें भी एट ए टाइम 3 टाइप का मटेरियल निकल रहा है, सैंड, 10 एंड 20। ठीक है, ये क्रैशर का जो साइज है वो 8 इंच बाई 14 इंच है, 8 इंच बाई 14 इंच का ये मटेरियल एक बार में बोल्डर ले सकता है। उसके बाद में कन्वेयर है, कन्वेयर स्क्रीनिंग यूनिट पे मटेरियल डाल रही है। लेवर को कम से कम लेवर का यहाँ एक्सपेंस हो, कम से कम लेवर कॉस्ट आए, इसलिए ये इनलाइन यूनिट हम लोगों ने तैयार की है, जो सिक्वेंसली साइड पे चलती रहती है। इसका प्रोडक्शन अराउंड अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 10 से 12 टन एक घंटे का ये निकाल देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ही एक मशीन ऑपरेट हो रही है। ऐसा स्टोन क्रशर है जो आपके बहुत काम आ सकता है। कैसे काम आ सकता है थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरह का बिजनेस मॉडल रहता है अगर कोई स्टोन क्रशर लगा के बिजनेस करता है। ये सर बेसिकली स्मॉल स्केल में ये क्रशिंग प्लांट हैं। आप इनको रिवर साइड लगा सकते हैं, आप इनको हिल एरिया में लगा सकते हैं, आप इनको जहाँ भी अपना हिल है वहाँ आप यूज कर सकते हैं। कहीं भी आपको अगर रिवर साइड में आपको रिवर बैंक मिलता है उसमें आप यूज कर सकते हैं। मेरे हम लोगों ने ये ऑन व्हील प्लांट बनाए हैं। ये बेसिकली है कि बॉटम लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नोट के आपने सुना होगा क्रशिंग प्लांट, क्रशिंग प्लांट मतलब लोग सोचते थे कि करोड़ों रुपए का प्लांट इंस्टॉल करना होगा। नहीं, अभी यहाँ हमारे पास जो रेंज स्टार्ट है वो मात्र 5.5 लाख रुपए से हमारे पास रेंज स्टार्ट हो जाती है। 5.5 लाख से आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। कि हमारे पास में स्टार्ट है 5 टन पर आवर से, उसके बाद 10 टन पर आवर है, 15 टन पर आवर है, 20 टन पर आवर है, 25 टन पर आवर है, 50 टन पर आवर है, ऐसे हमारे पास में 250 टन पर आवर तक के हमारे पास प्लांट है। अभी जैसे ये जो मशीन है हमारे पीछे, ये कितने टन की है? ये मशीन 15 टन पर आवर की है। इसकी क्या कॉस्ट होगी? ये कंप्लीट सेट, इसके ये क्रशिंग यूनिट है मोटर के साथ में, फिर इसमें एक अपना कन्वेयर है, उसके बाद में सेपरेट इसमें स्क्रीनर लगा हुआ है। जी जी, कंप्लीट सेट ये 8 लाख की रेंज में आता है। ओके, कंप्लीट सेट। अब आपने कहा तीनों चीज होंगी। 250 टन का भी है आपके पास? हाँ, प्लांट तो वो कितने का पड़ता होगा? वो 1.25 करोड़ का प्लांट जाता है। ओके, 1.25 करोड़ से उसका स्टार्टिंग है। उसमें भी फिर आपको जैसे जैसे मॉडिफिकेशन कराना है, जैसे जैसे आपको कस्टम कराना है, उसमें प्लस माइनस हो जाता है। एक हमने सबसे पहले आपकी फैक्ट्री में जो देखा, अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन था और एक ऑलरेडी बना हुआ है, वो कितने का है? वो 50 टन एक घंटे का वो प्रोडक्शन देता है। फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है। आप जेनसेट रख के 125 किलोवाट का जेनसेट आप कहीं भी रखिए, उस प्लांट को चला लीजिए।
आपको आज यहाँ काम है, 2 महीने बाद आपका यहाँ से काम खत्म हो गया। आप उस प्लांट को आप ट्रेलर करके खींच के आप टो करके ले जा सकते हैं और दूसरी जगह जाके इंस्टॉल। उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है? उसकी कॉस्ट रेंज हमारे पास में 42 लाख से स्टार्टिंग है। वेरी नाइस। उसमें फिर कस्टम हो जाता है कि आपको कन्वेयर अगर बढ़ाना है तो प्लस हो जाएगा, और कुछ और चीज़ें बढ़ानी है तो वो प्लस होता चला जाता है। अच्छा सुमन जी, इसकी कोई गारंटी वारंटी होती है? 1 ईयर का ऑन साइट वारंटी होता है, जो कहीं भी पैन इंडिया में आप कहीं भी चलाइए, इंडिया से अलग आप नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में आप कहीं भी चलाएंगे, ऑन साइट आपको 1 ईयर का वारंटी मिलेगा। स्पेयर पार्ट हमारे पास में हमेशा अवेलेबल होता है। आज मुझे बोलेंगे तो आज ही मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, वो नेक्स्ट 2 to 3 days में पैन इंडिया में कहीं भी आपको इंस्टॉलेशन भी आप करा के देते हैं? इंस्टॉलेशन हम लोग करा के देते हैं। ओके। हमारे इंजीनियर साइट पे जाएगा, इंस्टॉलेशन करेगा, टेस्टिंग करेगा, जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा हाँ भाई ठीक है तब। मेरे बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते होंगे कि भाई कितना डीजल खाता है ये, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, उसके बारे में अगर आप मुझे बता। स्टार्टिंग है जो हमारा इनिशियल मशीन है वो 10 HP का डीजल इंजन लगता है, जिसका अप्रॉक्स 0.75 liter to 1 liter पर आवर ये इसका कंजम्पशन है। सबसे छोटी मशीन जो हमारा 5 TPH की है वो 5 HP की मोटर से ऑपरेट होती है, फिर उसके बाद में 10 TPH है 7.5 HP की मोटर से ऑपरेट होती है, उसके बाद में फिर 15 TPH है 10 HP की मोटर से ऑपरेट होती है। तो जैसे जैसे वर्जन बढ़ता जाएगा ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा मुनाफा है। अच्छा मुनाफा है कि कहीं भी आपको घर बनाना है, पत्थर है आपके पास में बट आपको खरीदना पड़ रहा है फिर भी, और जो है उसको आपको सेल करना पड़ रहा है, डंप कराना पड़ रहा है, आप उसको वहीं तोड़िए वहीं बनाइए अपना घर बना लीजिए। आपको रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, आपको रोड वर्क करना है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। रोड कॉन्ट्रैक्टर जितने हैं अभी जिस साइड पर हम खड़े हुए ये भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये उनके पास में मटेरियल है, खुद तोड़ते हैं अपना हॉट मिक्स में लगा के और उसी को यूज कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो मतलब काफ़ी अच्छी बचत होती है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल है। मैं समझता हूँ दोस्तों, मैंने बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की आपको, लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आप अपनी जानकारी खुद जुटाइए, सुमन जी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, मैं समझता हूँ आपके बहुत सारे सवालों का जवाब वो दे सकते हैं। मार्केट सर्वे करिए, आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह की जो मशीनरी है वो सुमन जी बनाते हैं वो आपके काम आ सकती है। जो भी निर्णय लें, ठोस निर्णय लें, अपनी जानकारी के आधार पर लें, क्योंकि दोस्तों बिज़नेस आपको करना है, बिज़नेस में हानि लाभ जो भी होते हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जानकारी के आधार पर निर्णय लीजिए, और जब आप निर्णय लें तो ज़रूर आप उस निर्णय पे कायम रहिए, क्योंकि बिजनेस में ऊपर नीचे होता ही रहता है, चलता रहता कभी है। सीजन के हिसाब से होता है, कभी कैसे होता है, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप एक रोड बना रहे हैं, आप कुछ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर है। मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जब हम सड़कों के निर्माण की बात करें, जब हम भवनों के निर्माण की बात करें, तो इसमें एक बहुत ही एक संपूर्णता में अगर हम देखें तो बहुत ही पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। तो जो अगर आप सकारात्मक बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। पॉजिटिविटी हमेशा जीवन में होना चाहिए, पर निर्णय जो है वो बहुत ज़रूरी है, और निर्णय हाँ या ना में लिए जाते हैं। जो भी निर्णय लें उस पर कायम रहिए, पर निर्णय जरूर लीजिए, जानकारी के आधार पर लीजिए। मैं समझता हूँ मैंने जो भी आपको कहा है ये सब आपके काम आने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, और देखते रहिए यूट्यूब बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।